दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पटपड़गंज में एक मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित नगर निगम के चलते दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का बंटाधार हो गया है। दिल्ली के पटपड़गंज में 9वें मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई। उद्घाटन के मौके पर डिप्टी सीएम ने नगर निगम के स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए। डिप्टी सीएम ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ इलाज ही नहीं, जांच की सुविधा भी होगी। ये मोहल्ला क्लिनिक तैयार हो गया था, पर कोविड की वजह से यहाँ उस तरह से अभी ऑपरेशन शुरू नहीं कराए थे। तो अब मुझे खुशी है कि पटपड़गंज विधानसभा में एक और मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर शुरू हो गया है। यहाँ पटपड़गंज के अपार्टमेंट्स, यहाँ विनोद नगर के रहने वाले, यहाँ आसपास की झुग्गियों में रहने वाले, यहाँ की ऑथराइज अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये इसकी खास बात यह है कि हाईवे के एकदम नज़दीक है, तो इधर से भी कोई जाने वाने वाले व्यक्ति अगर उसको कुछ टेस्ट कराना है या अपना कोई ट्रीटमेंट कराना है मोहल्ला क्लिनिक के लेवल पे, तो वो भी इसको करा सकता है। उधर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि वार्ड स्तर पर मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं, इससे प्राथमिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। ये दिल्ली के अंदर 497 मोहल्ला क्लिनिक आज स्टार्ट किया जा रहा है। हाँ, ये कोरोना की वजह से कई सारे मोहल्ला क्लिनिक तैयार हो गए थे, उनमें कुछ कुछ काम थोड़े रह गए थे, अब उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करा के स्टार्ट किया जा रहा है, सबको कराया जा रहा है। देखो, एक दो का बात चल रही है, वो ना एमसीडी ने रोक रखे हैं, कुछ ऐसी जगह पर हैं जिन्होंने नोटिस दे रखे हैं एमसीडी ने बंद करने के लिए, उनको डिमोलिशन करने की बात थी, उनको छोड़ के बाकी सब स्टार्ट कर दिए जाएंगे। दिल्ली में इस मोहल्ला क्लिनिक के साथ कुल संख्या 457 पर पहुंच गई है। हालांकि कई बंद पड़े हैं और आधे अधूरे बने मोहल्ला क्लिनिक व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। टोटल न्यूज़ के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।